नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि चीन की आर्थिक अर्थव्यवस्था कोलैप्स होने की कगार पर पहुंच गई है और जनता के द्वारा हो रहे चीनी सरकार के खिलाफ भीषण विरोध के बाद चीन ने राष्ट्रगान पर भी बैन लगा दिया है और भारी मात्रा में आम नागरिक मारे जा रहे हैं। इसी के साथ ही भारत ने भी एक बार फिर से भयंकर झटका चीन को दिया है और चीन में क्या क्या हो रहा है ये भी हम जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चीन की असलियत ये है कि वो अंदर से पूरी तरह टूट गया है और चीन अपनी इस कमजोरी को दुनिया से छिपा रहा है। साथ ही इस वक्त चीन की इकोनॉमी कहा जाने वाला शहर शांघाई में कोरोना ने बुरी तरह से अफरा तफरी मचा दी है और दोस्तों यहां पर हालात बेकाबू हो गए हैं, जिसके चलते चीन ने सख्त लॉकडाउन लगा रखा था और ये लॉकडाउन इतना सख्त था कि लोग अपने घरों में कई दिनों तक जेल की तरह कैद थे। और दोस्तों, मामला यहां तक पहुंच गया था कि लोग भूख प्यास से दम तोड़ने लगे और अंत में मामला जब खबरों में आ पहुंचा और विश्व भर में चीन की निंदा हुई, तब जाकर चीन ने कोरोना नियम में ढील देनी शुरू की और दोस्तों वही चीनी सरकार ने अपने ही राष्ट्रगान को बैन कर दिया है। तो दोस्तों, अब आप सभी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार चीन ने अपने राष्ट्रगान को बैन क्यों कर दिया। दरअसल दोस्तों, चीन में जारी सख्त लॉकडाउन ने वहाँ के निवासियों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है और यही कारण है कि अब वहाँ लोग सरकार की जीरो कोविड पॉलिसी का बड़े स्तर पर विरोध कर रहे हैं और स्थानीय लोग चीनी राष्ट्रगान मार्च ऑफ दी वॉलंटियर्स की एक पंक्ति उठो जो लोग गुलाम नहीं बनना चाहते, इस पर चीनी सरकार का घनघोर विरोध कर रहे हैं। और बढ़ते विरोध को देखते हुए चीनी सरकार ने फिलहाल अभी राष्ट्रगान को इंटरनेट पर से सेंसर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बताया ये भी जा रहा है कि चीन में जिस तरीके से विकराल रूप धारण किया है, जिसके कारण मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है। और बताया ये भी जा रहा है कि चीन अब इन आंकड़ों को छुपा रहा है क्योंकि चीन की कोरोना कंट्रोल पॉलिसी पूरी तरीके से फेल हो गई है और अब चीन मरने वालों के आंकड़े में गड़बड़ी करने लगा है। तो दोस्तों, जहां एक तरफ चीन की अर्थव्यवस्था खतरे में है, लोग भारी तादाद में मर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कंपनियां पूरी तरीके से बंद हो गई है, तो वहीं भारत ने भी चीन को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया है। भारत ने हजारों चाइनीज पीपल के टूरिज्म वीजा कैंसिल कर दिए हैं और इससे एक दो साल पहले जब भारत में भयंकर कोरोना महामारी फैली तो उस समय चीन ने भारत लौटे 20,000 इंडियन स्टूडेंट को अपने देश में लौटने की परमिशन नहीं दी और भारतीय स्टूडेंट की पढ़ाई में रोड़ा अटका दिया और अभी भी आने की परमिशन नहीं दे रहा है। वहीं इसी के जवाब में भारत ने भी सख्त कदम उठाया है। एक निर्देश के मुताबिक अब चीनी नागरिक टूरिस्ट वीजा पर भी इंडिया नहीं आ पाएंगे और इस मामले में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने चीनी नागरिकों के जारी किए गए इंडियन टूरिस्ट वीजा वैलिड नहीं है। और दोस्तों, वहीं भारत चीन के बीच बिजनेस टूर, रोजगार, डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल वीजा जारी किए जा रहे हैं, लेकिन टूरिस्ट वीजा को लेकर दोनों तरफ से तनातनी बनी हुई है। वैसे आपका क्या सोचना है इन सभी बातों पर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।